اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. हल अता का हदीस उल गाशिया, क्या पहुंची तुम तक उस ढांप लेने वाली, छा जाने वाली, कवर कर देने वाली की बात की खबर, यानी आखिरत की खबर, क्यामत की खबर. वो जो हुई यौमा इज़न खाशिया, कितने ही चेहरे उस रोज लटके हुए होंगे. ये दो लफ्ज हैं, एक है खशियत, वो है डर, एक है खुशू, यानी खाशीन या मादा वो खशियत के लिए, डर के लिए है, और खाशीन आइन का मादा जिससे खुशू बना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मसदर, वो है झुक जाना, नीचा हो जाना, दब जाना. लिहाजा ये आजजी के मानों में भी आता है, नीचे हो जाने के मानों में भी आता है, गड़े हुए माने को भी आता है. वजूह यौमाइज़न खाशिया, तुम जिस दिन बहुत से चेहरे गड़े हुए होंगे, झुके हुए होंगे, यानी मुंह लटका हुआ, कहते ना मुंह लटका हुआ, तो वजूह यौमाइज़न खाशिया, बहुत से चेहरे उस दिन झुके हुए होंगे, गिरे हुए होंगे, लटके हुए होंगे. आमिलतुन नासिबा, सख्त मुशक्कत करने वाले और थके मांदे. तस्ला नारन हामिया, वो दहकती हुई जाग आग में पड़े हुए होंगे, झुलस रहे होंगे, डाले जाएंगे. तुस्का मिन आइनिन आनिया, और उन्हें खोलते हुए चश्मे से पानी पिलाया जाएगा. लैसा लहुम तआमुन, उनके लिए कोई खाना नहीं होगा. इल्ला मिन दरी, सिवाय खारदार खुश्क झाड़ी के, सूखे टुकड़े भी हो, आप उसे पानी में डुबोकर या चाय में डुबोकर नरम करके खा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल खुश्क रोटी का टुकड़ा भी खाना बड़ा मुश्किल है. चे जाए कि वो खुश्क झाड़ी हो और ऊपर से कांटेदार भी हो, लेकिन भूख की शिद्दत होगी, इंसान वो भी खाएगा, और फूक भूख की शिद्दत की वजह से खा जाएगा, लेकिन उसका सारा मुंह, सारा गला, खुराक की नाली और मैदा और आंतरियां, वो सब जो हैं वो तबाह हो जाएंगी उस कांटेदार झाड़ी से. इसी तरह खौलता हुआ पानी, ये नॉर्मली इंसान ठंडा पानी पीना पसंद करता है, ये चाइनीज के यहां ये रिवायत है कि वो गर्म पानी पीते हैं. जो टिपिकल चाइनीज रेस्टोरेंट्स हैं, अमेरिका में एक चाइनीज रेस्टोरेंट से खाना खाने का मौका मिला, तो उन्हें बाकायदा हमारे यहां तो जब जूही टेबल पर जाके बैठते हैं तो पानी का जग और गिलास ला के रखता है वेटर और ठंडा पानी पेश करता है. तो वहां चैनक में नीम गर्म पानी और थोड़ी सी पत्ती उसमें डाली हुई और सात कप ला के रखे जाते हैं. लेकिन आम हमारे यहां जो है पानी जो है वो सर्दियों में भी गर्म नहीं पिया जाता, वो ठंडा पिया जाता है. और गर्म पानी तो कोई शख्स जो है वो चाइनीज की ये रिवायत जो है ये सुनकर या डॉक्टरों के बार बार कहने पर वो अपनी आदत बना भी ले कि मैं ठंडा पानी नहीं पीना, तो भी वो ठंडा नहीं पीता, लेकिन बहरहाल गर्म भी नहीं पी सकता. लेकिन प्यास की शिद्दत जो है वो इंसान को पानी पीने पर भी मजबूर कर देगी, और वो खोलता हुआ पानी पिएगा जिससे उसकी आंतरियां जो हैं वो सब गल जाएंगी. तुस्का मिन आइनिन आनिया लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन दरी, उनके लिए कोई खाना नहीं होगा सिवाय खारदार कुछ झाड़ी के. ला युस्मिनु वला युग्नी मिन जू, यानी खाने के दो फंक्शन होते हैं, एक न्यूट्रिशन और दूसरा भूख को किल करना.
यानी आपको बहुत ज्यादा भूख लगी हो तो कुछ भी मिल जाए तो आप अंदर डाल लें, खा वो न्यूट्रिएंट ना भी हो तो इंसान को भूख का एहसास खत्म हो जाता है। तो यहां कहा जा रहा है कि उनको जो वो खाना दिया जाएगा ला युस्मिनु, ना वो मोटा करेगा, वला युग्नि मिन जू, और ना भूख मिटाएगा। वुजूहु यौमइज़िन नाइमा, अगर हमजा के साथ नाइमा हो तो वो सोने वाली है, और आयन के साथ भी हो तो नेमतों वाली है। वुजूहु यौमइज़िन नाइमा, क्योंकि वुजूह जो है जमा मुकसर है लिहाजा उसकी सिफत वाहिद मुअन्नस आ रही है। वुजूहु यौमइज़िन नाइमा, बहुत से चेहरे उस रोज तरोताजा होंगे, नेमतों में होंगे। लिसाइहा राधिया, और अपनी कारगुजारी पर बहुत खुश होंगे। फी जन्नत आलिया, बुलंद बागात में होंगे। ला तस्मऊ फीहा लागिया, वहां पर वो कोई बेहुदा बात नहीं सुनेंगे। फीहा आइनुन जारिया, जन्नत में चश्मे रवा होंगे। फीहा सुरूर मरफुआ, और उसमें ऊंची ऊंची मसनदें होंगी। वह अकवाब मौदुआ, और करीने से रखे हुए सागर होंगे। वह नमार को मसफूफा, और कतार में लगे हुए गौतकी होंगे। वह जराबियो मबसूसा, और बिछे हुए कालीन होंगे, गालीचे होंगे। अफला यंजुरूना इलल इबली कैफा खुलिकत, तो क्या ये ऊंट को नहीं देखते? कैफा खुलिकत, कैसे बनाया गया। हिटलर ने अपने इंजीनियर्स को टास्क दिया था कि कोई ऐसी गाड़ी बनाओ जो पानी से चल सके, और फॉक्सवैगन जो बनाई थी उन्होंने, आपको मालूम है उसके अंदर रेडिएटर नहीं है, नहीं उसके इंजन को ऐसे तरीके से डिजाइन किया गया था छोटी फॉक्सी को कि वो बगैर रेडिएटर के गर्म नहीं होती थी। गाड़ी की पॉपुलैरिटी किन चीजों से होती है? गर्म ना हो, एसी भी चले तो गर्म ना हो, और बार बार उसको पानी भी चेंज ना करना पड़े, और पेट्रोल भी बहुत कम खाए। इसी के सब्स्टिट्यूट बैटरी आया है, हाइब्रिड गाड़ियां आई हैं। ऊंट को तस्वर कीजिए कि ऊंट जो है ये कैसी आला सवारी है। यानी घोड़े के साथ उसको कंपेयर करें तो घोड़ा नखरेला जानवर है, वो टेल सेवा मांगता है, खुजली भी मांगता है, वक्त पर पानी, वक्त पर चोकर, वक्त पर चारा, आराम, खुजली भी करो, खारिज भी करो उसके जिस्म पर, तब वो आपको काम देता है। एज कंपेयर टू दैट ऊंट, वो आपको दो हफ्ते बगैर कुछ खाए पिए सर्विस देता है। अच्छा, फिर उसका जो पांव अल्लाह ने बनाया है उस पर एक गद्दा है पूरा, विच इज इक्वली गुड रेत पर चलने के लिए। यानी रेत हो तो उसमें आपकी गाड़ी भी फंस जाती है, आप चलना चाहते हैं तो आपके पांव धंस जाते हैं। लेकिन ऊंट का जो पांव है वो रेत पर चलने के लिए आइडियल है। दो काम, यानी एक गर्मी जो है रेत की वो प्रूफ है उससे, और रेत में धंसता नहीं, वो जो उसका गद्दा है नीचे वो रेत में धंसता नहीं। दूसरा, मक्के को आप अगर आप तसव्वुर करें तो मक्का क्या था? दो चीजें थी, या पथरीली पथरीले पहाड़ थे, नोकीले प्लेन पहाड़ नहीं, नोकीले पहाड़, और या फिर रेगिस्तान आ जाता था, रेत आ जाती थी। ऊंट जो था उन दोनों के लिए मुफीद था, इक्वली गुड पथरीले नोकीले पहाड़ों पर चलने के लिए भी और रेतले रेगिस्तानों पर चलने के लिए भी। तो अब मक्के वालों को तवज्जो दिलाई जा रही है, यानी हम तो इसको अप्रिशिएट ही नहीं कर सकते ना, इतनी देर मुझे लग गई ऊंट की क्वालिटीज को डिस्क्राइब करने में, और अरब जो है उसको खुद एक्सपीरियंस कर रहा था, उसकी तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है। अफला यंजुरूना इला लबिल कैफ खुलिकत, तो क्या ये ऊंट की तरफ नहीं देखते कैसे पैदा किया गया? वइला समाइ कैफ रुफियत, और आसमान की तरफ नहीं देखते कैसे बुलंद किया गया? वइला जिबाल कैफ नुसिबत, और पहाड़ों को नहीं देखते कैसे गाड़े गए? वइला अर्द कैफ सुतहत, और जमीन को नहीं देखते कैसे बिछाई गई, हमवार की गई? फज़क्किर,
تو انہیں نصیحت کیجیے, انما انت مذکر, آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں. دونوں صورتوں میں یہ الفاظ ہیں, پہلے بھی آیا سورت آلہ میں بھی, فذکر ان نفعت الذکرہ, تو آپ نصیحت کیجیے اگر نصیحت فائدہ دے. جو ڈرے گا وہ نصیحت حاصل کر لے گا, اور جو بدبخت ہے وہ منہ موڑ لے گا. یہاں کیا ہے, فذکر, آپ نصیحت کیجیے, انما انت مذکر, یقیناً آپ نصیحت کرنے والے ہیں. لستا علیہم بمسیطر, اور آپ ان پر کوئی جبر کرنے والے, زبردستی کرنے والے نہیں ہیں, ایڈمنسٹریٹر نہیں ہیں. الا من تولى وكفر, مگر جس نے منہ موڑا اور انکار کیا, فیعذبه العذاب الاکبر, تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا عذاب دے گا. ان الینا ایابہم, یقیناً ہماری ہی طرف ان کا لوٹ کے آنا ہے. ثم ان علینا حسابہم, اور پھر ہمارے ہی ذمے ان سے حساب لینا ہے. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت فهو يشفيني.